को फॉलो करेंगे। ओके ओके नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसापुणं, नमो लोये सर्वसापुणं, पुकारो पुकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषीं, मंगलानं च सर्वेषीं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अब बालकों ये डेली प्रेयर्स तीनों किसको आता है कंप्लीट वही बोलने का है ओके मैं, और जो पढ़ के नहीं बोलने का दर्शना आप पढ़ के बोले थे या यस्टरडे, और कांति दादा बाद में बताएगा दिस ऑनेस्टी इज द बेस्ट फुलिशनेस। और किसी ने सुना है किसने नहीं सुना है वो हाथ ऊंचा करो। ओके तो कांति दादा बाद में आप समझाने का दिस ऑनेस्टी इज द बेस्ट फुलिशनेस। यस ओके श्रेया हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी चुके नहीं ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव माता सेवा के लिए करूँ, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र निष्ठावान और शुद्ध बनी रखूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊ। हे दादा भगवान मैं आगे अपने माता पिता की सब बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में आप मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड हरि कीर्तन स्टडी प्रेयर। दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। और चेन्नई में दीपक दादा आज कोई नई पर्सन आया है उसको मालूम दादी की छोटी बहन लगती है। ओके तो दादी की छोटी बहन आपको हे दादा आप आता है अब बोलो हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के है सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम
हम करेंगे अच्छे अच्छे से। वेरी गुड। ओके तो आ गए नए मेंबर को देखो दादा। ओके कल का कल में होमवर्क क्या था किसको मालूम है इसको नहीं मालूम है वत्सल को नहीं मालूम है वो कल आया था वो सोता था। ओके मोनिका दीदी क्या होमवर्क क्या था हमें ये बताना था कि फ्रेंड्स और हम फोन में जो मैसेज आता है वो हम कैसे मैनेज करते हैं। जोर से बोलो हम नहीं सुनाई देता। हाँ हमारा ये होमवर्क था कि कल का हम जो भी मैसेजेस आते हैं फ्रेंड्स के बारे में तो हम उसे कैसे मैनेज करते हैं। नॉट एग्जैक्टली इसको मालूम है एग्जैक्टली क्या बोला था खुशी अहमदाबाद। हाँ आज हमें सेकंड बॉस बनना था। तो क्या करने का सेकंड बॉस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीकनेस स्टडी में। ओके अभी सब मालूम पड़ गया वही होमवर्क था ना। हाँ ओके ओके मोटी बहन क्या आप फिर से बोल सकते हैं क्या क्या बोला क्या आप फिर से बोल सकते हैं होमवर्क क्या है। I cannot hear in the camera. क्या बोल रहा है दीदी दीदी क्या फिर से रिपीट कर सकते हैं होमवर्क no. ऐसा बोल किसने बोला हो खुशाल भाई ने नहीं आप बहुत मस्ती करते हैं रिपीट नहीं होता है इधर अटेंशन देने का। देखो आज तो कांची दादा आया है वेरी फेमस टीचर था कंबात में वो ऐसे नहीं चलाते हैं हम भी ऐसे नहीं चलाएगा कांती दादा नहीं चलाता है। ओके ओके मोदी बहन जय सच्चिदानंद मेरा स्टडी में वीकनेस ये है कि मैं कभी कभी ऑनलाइन टीचिंग में लेक्चर के ड्यूरिंग मोबाइल देखती हूँ जब मुझे लेक्चर बोरिंग लगता है तो। हाँ जी सच्चिदानंद मेरा स्टडी में वीकनेस मतलब वीक पॉइंट ये है कि मैं ट्यूशन में अकेले ही हूँ तो मतलब मैं पढ़ू मतलब पढ़ती तो हूँ लेकिन कोई दिन मतलब मेरे से वो आलस आ जाती है आड़ाई हो जाती है क्योंकि वहाँ पे कोई मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है इसलिए। ओके गुड पॉइंट बोलो मोटी बहन गुड पॉइंट तो बोलो। ऑफलाइन टीचिंग में ये नहीं होता था और जब कोई म्यूजिक होता है तो मैं जब पढ़ती हूँ तब कुछ भी आजू बाजू बजता है लेकिन मैं उस पे ध्यान नहीं होता मेरा पढ़ाई में ही होता है सिर्फ। हाँ मेरा गुड पॉइंट ये है कि मतलब मेरे को जो काम देते हैं टारगेट देते हैं वो मैं पूरे कंप्लीट करके ही फिर मेरा जो दूसरा काम होता है वो लेती हूँ हाथ में मेरा कंसंट्रेशन रहता है उस टाइम पर टाइम में। जय सच्चिदानंद मैं कोई कोई बार मैं जब फोन में से होमवर्क करती हूँ तब मैं फोन देख लेती हूँ थोड़ी बार और मेरा है कि जब तक मेरा एक सब्जेक्ट का होमवर्क खत्म नहीं होता तब तक मैं दूसरा सब्जेक्ट नहीं लेती हूँ और आज मैंने कुकिंग की थी। हेलो दीदी जय सच्चिदानंद मेरा वीक पॉइंट ये है कि मैं कंटिन्यूसली 2-3 घंटे नहीं बैठ सकती मैं 2 घंटे ही बैठ सकती हूँ उससे ज्यादा नहीं बैठ सकती। और मेरा गुड पॉइंट ये है कि मैं जो भी विधि दीदी की तरह काम लेती हूँ वो कंप्लीट करके फिर दूसरा टास्क करती हूँ। अच्छा। जय सच्चिदानंद मेरा वीक पॉइंट ये है कि मैं लिखते लिखते कोई शोर करता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि मुझे क्यों वो डिस्टर्ब कर रहे हो। और मेरा गुड पॉइंट ये है कि मैं जो पढ़ने के लिए लेता हूँ वो मैं 100% करके बाद में ही रखता हूँ। जय सच्चिदानंद मेरा वीक पॉइंट ये है कि मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और मेरा गुड पॉइंट ये है कि जब तक एक सबमिशन पूरा नहीं होता है उसके ऊपर और फोकस होता है मेरा। नमिया
मेरा वीकनेस पॉइंट ये है कि हाँ जब मैं पढ़ता हूँ तब आजू बाजू में आवाज होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मेरा गुड पॉइंट ये है कि मैं जो लिखता हूँ ना वो पूरा कर देता हूँ। और आपका वीक पॉइंट ऐसा है टीवी मोबाइल बहुत देखना होता है, वो नहीं होता है स्टडी टाइम पे? क्वेश्चन मैं वो स्टडी टाइम में नहीं देखता, पहले की बात है। हरी हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा वीक पॉइंट है कि कोई मुझे कहे ना तो तू कर ले तो मैं कहता हूँ कि तू भी कर ले तो फिर मैं। और मेरा गुड पॉइंट है कि मैं जो करता मम्मी जो कहती है फिर मैं मम्मी मतलब पढ़ाई के समय जो कहती है वो मैं करके कर लेता हूँ फिर दूसरा सब्जेक्ट करता हूँ। जय सच्चिदानंद, मेरा वीक पॉइंट ये है कि अगर आजू बाजू में कोई कुछ करता और या फिर मुझे बुलाता तो मेरा ध्यान उसमें चला जाता है। और गुड पॉइंट है कि मैम जब समझाते हैं तब मुझे समझ में आ जाता है। और छुपा स्वप्न जय सच्चिदानंद, मेरा गुड पॉइंट यह है कि मेरे को मम्मी जो कहती वो मैं पूरा कर लेता। और मेरा बैड पॉइंट यह है कि है ना मेरे को कोई मेरे दीदी है ना बाजू में बैठती है तो वो फोन में अपना स्टडी करती है तो मेरे को स्टडी में नहीं फोन में ज्यादा ध्यान लगता है। जय सच्चिदानंद, मेरा स्टडी में वीक पॉइंट ये है कि जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मम्मी अगर मुझे कहे कि क्या लिख रहा है और कौन सा सब्जेक्ट कर रहा है तो मुझे गुस्सा आता है कि मम्मी मुझे डिस्टर्ब करती है। और गुड पॉइंट ये है कि मैं मेरा पूरा जब लिखना लर्निंग हो जाए तभी मैं दूसरे सब्जेक्ट में करता हूँ आगे। जय सच्चिदानंद, मेरा बैड पॉइंट यह है कि मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, यहाँ वहाँ की छोटी छोटी आवाज आती है तो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। और दूसरा एक और बुरा पॉइंट है कि मुझसे मेरी एक टीचर है, मैं निश्चय तो करती हूँ कि मैं अभव नहीं करूँ फिर भी अभव मुझसे हो जाता है। और गुड पॉइंट यह है कि अभी अभव कम हो गया पर फिर भी अभी हो रहा है। और मोबाइल देखना कम कर दिया मैंने। मेरा वीक पॉइंट ये है कि कोई मुझे खेलने बुलाता है और मैं बोलता हूँ कि मैं अभी खेलने नहीं आऊंगा, मैं वापस पढ़ाई करने बैठता हूँ, मैं खेलने में जीव रहता है। और मेरा गुड पॉइंट ये है कि अभी भी थोड़ा सा कम ध्यान हो गया है मेरा खेलने की वजह से, ज्यादा खेलने की वजह से, पर कभी कभी मैं पूरी पढ़ाई करके खेल जाता हूँ। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा वीक पॉइंट ये है कि मैं जब मेरा ऑनलाइन क्लास चल रही होती है ना तो कोई फ्रेंड मुझे मैसेज करते हैं ना तो मैं उसको रिप्लाई देने चली जाती हूँ। और मेरा वीक पॉइंट ये है कि मैं जो काम लेती हूँ ना वो मैं कर देती हूँ फिर ही दूसरा सब्जेक्ट लेती हूँ। सच्चिदानंद, मेरा वीक पॉइंट ये है कि मैं पढ़ाई करता हूँ तब मुझे मोबाइल में ध्यान देता है। और आजू बाजू मैं लिखता हूँ और कोई आजू बाजू आवाज करता है ना तो मैं मेरे पे ऐसा हो जाता है कि क्या यार आवाज मत करो ना, मैं बोल देता हूँ। और मेरा गुड पॉइंट ये है कि टीचर या कुछ समझा रही हो ना तो मेरे कंट्रेस्ट मीन्स कि वो ध्यान उसमें 100% ही होता है। ओके दर्शना। हाँ मेरा बैड पॉइंट ये है कि जब मैम क्लास लेती है और जब मुझे बोर होता है तो मैं विंडो के बाहर चीजें देखने लग जाती हूँ। और मेरा गुड पॉइंट अभी ऑफलाइन शुरू हुआ है तो मेरा ध्यान ज्यादातर रहता है जो पढ़ाती हूँ। ओके दर्शना। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा बैड पॉइंट ये है कि मैं रिपोर्ट भेजना भूल जाता हूँ। और एक और बैड पॉइंट है कि जब मैं स्टडी करता हूँ तो तब मुझे उसमें जब हार्ड आ जाता है तो मुझे जब ऐसा लगता है कि चलो ये सब्जेक्ट छोड़ देते हैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। और मेरा गुड पॉइंट ये है कि मैं जब बाहर जब कोई बाहर खेलने बुलाता है तो तब मैं बाहर खेलने नहीं जाता, स्टडी कंप्लीट करने के बाद ही जाता हूँ।
आपका वीक पॉइंट तो बहुत है, कुछ सीरियस नहीं लेने का है आपको। रिपोर्ट एक आप अकेला है कि रिपोर्ट भूल जाता है, क्यों कश्यप भाई? आज मैंने भेजा लेट भेजता है वो काउंट नहीं होता है, आपका काउंट नहीं हुआ। इताक्षी भाई का नाउ जो लेट बोलता है उसका काउंट नहीं करेगा। और अभी से ये dishonesty is the best foolishness और इम्प्लीमेंट करेगा रिपोर्ट टाइम से नहीं भेजता है तो रिपोर्ट नहीं देने का। कश्यप भाई जय सच्चिदानंद, मैं कभी कभार मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, और मेरा ये गुड पॉइंट है कि मैं जो गोल सेट करके बैठता हूँ वो गोल मैं पूरा करके ही खड़ा होता हूँ पढ़ाई में। सम्यक भाई दादा हेलो। हाँ दीपक दादा पहले बोलेगा बाद में कांति दादा आपको बोलेगा। दीपक दादा एक सच्चिदानंद सॉरी चिनाई बाकी रह गया। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा बैड पॉइंट ये है कि जब भी मैं एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए बैठती हूँ तो मैं बहुत ब्रेक ले लेती हूँ। और मेरा गुड पॉइंट ये है कि मैं सुबह 1 hour 6 o'clock बोलो गुड पॉइंट रिपीट। गुड पॉइंट ये कि मैं सुबह अर्ली 6 o'clock to 7 o'clock स्टडी करती हूँ। ओके और नई लड़की जय सच्चिदानंद, आज मैंने खुशी दीदी की मदद की थी नो कलर, मैंने एक और एक बार की थी और तीन मंत्र मैंने 8 times की थी। और आपको वीक पॉइंट है, आप पढ़ाई को नहीं करती है। पढ़ाई करती हूँ मैं। किसने बोला? मैंने बोला। हाँ पढ़ाई नहीं करती आप, मम्मी ने बोला, मम्मी को बोला हमको भेजे कि पढ़ाई कितना करती है और रिपोर्ट भेजे। ओके नहीं मैं करती हूँ पढ़ाई। मम्मी को बोलना हमको रिपोर्ट भेजे। खुशी हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा बैड पॉइंट ये है कि मैं जब स्टडी करती हूँ तो दीदी के साथ बीच बीच में बात करने लग जाती हूँ, उसमें मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है। और मेरा गुड पॉइंट ये है कि जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैं पढ़ती हूँ उसे समझ कर पढ़ती हूँ तो मुझे एकदम से याद हो जाता है। ओके दीपक दादा देव का नहीं हुआ? देव किधर है? सम्यक भी है। सम्यक तो उसका फादर कुछ बोलते थे। ओके ओके नो प्रॉब्लम फाइन। पहला कुछ चार बच्चा है कौन? खुशहाल आपको तो नहीं बोलने का है, आपका रिपोर्ट भी नहीं भेजा है अपना, तो आप सीरियस होने का है सभी में। ओके जी दादा। ओके पहली बात तो ये है कि आप लोगों का फोकस के बारे में बड़ा अच्छा है, वो बिल्कुल सराहनीय है, दैट इज वेरी गुड। फिनिश करके ही आप शांति से बैठते हैं तो वो बड़ा अच्छा है, लेकिन टीचर के प्रति अभाव जो होता है उसके बारे में वो ठीक नहीं है। हीर ने बताया कि टीचर के प्रति अभाव क्यों होता है दादा? उसमें ऐसा होता है कि मैं हर रोज कहती हूँ कि वो टीचर हमेशा मुझे डांटते रहते, मम्मी भी समझाती है कि वो तुम्हारे भले के लिए करते, मैं भी समझती हूँ पर कई बार हो जाता है क्योंकि हमेशा वो मुझसे डांट के ही बात करते हैं गुस्से में, इसलिए। तो लेकिन आपसे कोई गलती तो नहीं होती है ना? नहीं होती है, गलती होती है, टीचर डांटती है और आप टीचर के ऊपर अभाव करती है, ये तो बहुत अच्छा है ना? नहीं अच्छा नहीं है, पर दादा कई बार मैं सच्ची होती हूँ ना तो भी वो मुझे गुस्से से बात करती है तभी बुरा लगता है, और वो कई बार अच्छे से नहीं समझाती है ना तो भी ऐसा होता है। लेकिन टीचर के प्रति अभाव होने से वो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट टूट जाएगा, वो अच्छा नहीं है। जो भी है टीचर ही है, उसकी माफी मांग लेनी है अंदर से, वो भूलना नहीं।
और सभी का फोकस अच्छा है, और चीटिंग वगैरह के बारे में तो कांतियानंद जी बड़े अच्छे से बताएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है। जय सच्चिदानंद। ओके कांतियानंद, आज तो आप आए और टॉपिक कैसा निकला, क्या बात है साहब। आपने तो सब गुड हैबिट बैड हैबिट तो बहुत आपको तो मालूम है सबका, बोलिए। बोलिए साहब। हाँ बोलो आप। कांतियानंद जी, डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट फुलिशनेस, डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट फुलिशनेस, ये पढ़ाई के और बच्चों के जीवन के संबंध में आप बताएं। और आपने तो बहुत वीकनेसेस सुना है, तो वीकनेसेस में क्या करना पड़ता है वो बोल बता रहा हूँ ना सबको। सबसे पहले तो हमें ऐसा लगता है कि हम डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, अप्रमाणिकता। तो सबसे पहले खुद के प्रति हम इतने ऑनेस्ट नहीं है। हम जितने अपने खुद पर ऑनेस्ट रहेंगे तो डिसऑनेस्टी करने का वक्त ही नहीं आएगा। इसलिए दादाजी ने ये ऑनेस्टी के बारे में एक बहुत अच्छा ये सूत्र दिया, डिसऑनेस्टी इज द बेस फुलिशनेस। डिसऑनेस्टी, सबसे पहले हम हमारी जात पर करते हैं, खुद पर करते हैं, और फिर दूसरे के साथ भी करते हैं। पढ़ाई के बारे में या अपनी गलतियों के बारे में हम जितना ऑनेस्ट रहेंगे तो उतना अच्छा प्रोग्रेस हमारा बना रहेगा। तो खुद के साथ भी चीटिंग नहीं करना है, फिर क्लासमेट जो है उनके साथ भी नहीं करना है, और टीचर के साथ भी कभी भी डिसऑनेस्टी नहीं करना है। मतलब हम जितना हमारा जो ध्येय है, हमारी आजकल जो पढ़ाई हम स्कूल में या कॉलेज में कर रहे हैं तो इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि जैसा है वैसा हमें बताना है। ये जो एजुकेशन है वो सरस्वती देवी की एक बहुत बड़ी उपासना है, तो सरस्वती देवी की, तो सरस्वती देवी का वो वाणी का योग है। और आजकल के बच्चे और टीचर सभी लोग आमतौर पर अपनी जो वाणी है, स्पीच है, उसके प्रति ऑनेस्ट नहीं रह सकते हैं। मतलब जैसा है, जैसा वो जानते हैं, वैसा खुल कर नहीं बता सकते हैं। तो यही सबसे बड़ी फुलिशनेस है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो हमने बहुत बार बोला है, सुना है, पढ़ा है, मगर दादाजी ने एक अलग ही तौर से, ताकि कोई आदमी एक एक विचार करने लगे कि ये कैसा एक कैसा वचन है ये ज्ञानी पुरुष का, डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट फुलिशनेस। मूर्खता हमारे खुद पर और दूसरों पर, तो इसलिए
dishonesty is the base foolishness, ऐसा दादाजी ने हमें कहा है। नित्यानंद जी, हाँ जी, आपने तो बहुत 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 स्टूडेंट देखा, तो आपने उन लोगों को डिसऑनेस्टी किधर देखा, आपने क्या क्या करते हैं आपने देखा? हाँ देखिए, इंग्लिश का पीरियड चल रहा है और कई लड़के जो है या लड़कियां जो है वो इंग्लिश की किताब लेकर नहीं आए हैं, तो मुझे भी पता न चले, क्योंकि 60-70 स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर क्लास में होते हैं इंडिया में, तो हिंदी की किताब खोल के बैठेगा वो, ताकि मेरे को पता न चले कि ये इंग्लिश की किताब नहीं लाया है क्योंकि मैं इनके प्रति बहुत स्ट्रिक्ट था कि जो लैंग्वेज पढ़ने का है, लैंग्वेज सीखने का है, उसका किताब हरेक स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए। अगर वो नहीं लाया है तो मैं क्लास में एंटर हो उससे पहले उन्हें बाहर आकर खड़े हो जाना चाहिए, ताकि मेरे को पता चले कि ये किताब लेकर नहीं आए। मगर कई लड़के ऐसे होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट का किताब खोल के बैठ जाते थे, अंदर देखते थे, मैं पढ़ाता भी था, मतलब मेरा एक ऐसा था कि मैं एक राउंड लगा देता, प्लेटफॉर्म पर खड़ा नहीं रहता, 10-15 मिनट के बाद एक राउंड लगाता, ताकि हर एक बेंच पर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं या कौन सी किताब खोल के बैठा है या कोई होमवर्क कर रहा है, ये सब पता चलता है। और स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि हम टीचर को मूर्ख बना रहे हैं, वास्तव में वो ही मूर्ख है, वो उन्हें पता नहीं चलता है कि अभी आज मेरे को जो पढ़ने का है वो किताब तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कैसे पढ़ूंगा। इसलिए दादाजी ने कहा कि डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट फुलिशनेस। हम किसी को चीट नहीं करते हैं, हम हमारी जात को ही चीट करते हैं, हमारे हमारा जो ध्येय है उससे ही हम सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो यही सबसे बड़ी डिसऑनेस्टी है। और इससे बड़ी फुलिशनेस क्या हो सकती है कि आदमी अपना ही नुकसान करे और ऐसा समझ रहा है कि मैं तो टीचर को उल्लू बना रहा हूं, ये बहुत गलत बात है। वो देखो दरअसल, हाँ, आप रिपोर्ट भूल जाता है। हाँ ओ क्या ओ इज इट जेन्युइन है कि आप फुलिशनेस में है? फुलिशनेस में। हाँ तो वो आपको मालूम पड़ता है तो भी कुछ नहीं क्यों करते? अभी कांची दादा क्या बोला, कांची दादा क्या बोला, फुलिशनेस में रह गए तो क्या होगा फायदा? मैं फायदा नहीं होगा। क्या बोला, क्या होगा? ये सीरियस, ये सब सीरियस है। दादा का ज्ञान वेरी सीरियस लेगा तो बहुत फायदा होगा। ओके देव, आपका क्वेश्चन है? हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्यूशन में टीचर जो एक्सप्लेन कर रही होती है, मेरा उसमें कभी कभी ध्यान नहीं होता, और दूसरे ट्यूशन वाले क्या कर रहे हैं उसमें होता है। अच्छा, मतलब जो टीचर पढ़ाते हैं उसमें ध्यान नहीं होता है? हाँ। तो कहाँ होता है? दूसरे ट्यूशन वाले क्या कर रहे होते हैं उसमें होता है। हाँ, इसमें लॉस किसको है?
मुझे। हाँ तो ऐसा काम हम क्यों करें जो हमें लॉस हो जाए। सब्जेक्ट के प्रति हमारा इंटरेस्ट इतना बढ़े ताकि हम हमारा स्टडी खुद कर सके, और जहां कोई डिफिकल्टी आए तब हम टीचर की हेल्प ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, समझे? हाँ क्या करेंगे आप आपको तो बहुत सिंसियरिटी में बढ़ने का है, यू वेरी वीक इन सिंसियरिटी, क्योंकि आपका गोल है ही नहीं कुछ, आपका गोल मस्ती में है, मस्ती में, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। फिर दीदी जय सच्चिदानंद, मुझे ये डाउट है कि मैं जब पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मुझे ना जो कॉन्सेप्ट होता है, वो कंटेंट जो होता है ना, वो मुझे दो तीन बार रीड करना पड़ता है फिर ही मुझे याद रहता है। तो एक बार मैं रीड करूँ और याद रह जाए, वैसा क्या करूँ मैं? याद करने के लिए पढ़ने का नहीं है। नॉर्मली एक ध्यान से, एक चित से जब हम कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना है। कोई भी है उसको ठीक से समझना है कि ये क्या कह रहे हैं। बस हम याद रखने के लिए पढ़ते हैं, याद रखने के लिए कभी नहीं पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, और आप इसको समझ जाएंगे तो अपने आप याद आएगा। हाँ। समझे? हाँ दादा। हाँ पर दादा क्या होता है कि मैं एक चीज याद करती हूँ, मैं समझ कर याद कर लिया, पर फिर दूसरा करती हूँ तो पहला भूल जाती हूँ, फिर दूसरा करती हूँ तो तीसरा भूल जाती हूँ। नहीं, इसलिए रिविजन की भी बहुत जरूरत है। हाँ, रिवीजन तो करती हूँ, स्कूल में भी 5-5 मिनट का टाइम मिलता है, रिवीजन करती हूँ, पर फिर भी ऐसा होता है। इसमें कैसा है, हम पढ़ाई से पहले दादा भगवान से शक्ति भी मांग सकते हैं कि हे दादा भगवान, ये मैं जो पढ़ाई कर रही हूं वो ठीक से पढ़ाई कर सकूं, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। और ये आप सभी लोग स्टडी के लिए जो विधि बताई गई है वो बहुत अच्छी विधि है, और आप लोग कहते हैं बड़ी बात क्या है, इंटरेस्ट। जो सब्जेक्ट में हमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है वो हमें बार बार पढ़ने का मन होता है, होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ होता है। तो जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है वो जल्दी याद आ जाता है। हाँ। और हाँ, और जो सब्जेक्ट्स में हमें इंटरेस्ट नहीं है तो बड़ी मुसीबत से पढ़ते हैं उसको, और याद करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं है। और टीचर की भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको सिर्फ पढ़ाने का नहीं है, मगर उस सब्जेक्ट में सभी बच्चों को इंटरेस्ट कैसे बढ़े। और जैसे ही बच्चों को इंटरेस्ट आता है तो वो हंसते खेलते पढ़ते हैं और याद रह जाता है उनको, तो ये बड़ी आवश्यक बात है। और जब बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट पड़ता है तो खुद वो तैयारी करने लग जाता है, ऐसा है। हाँ
ठीक है। दादाजी मुझे ये भी पूछना था कि हम जो त्रिमंत्र बोलते हैं उसका मतलब क्या है, मम्मी को जानना था। किसका? जो त्रिमंत्र हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, मम्मी को जानना है। ओके ओके, ये अभी आपका ये सेशन कंप्लीट होके मम्मी को बोलना आना, और बाद में बताएगा। हाँ। ओके हाँ विधि दीदी, किसका क्वेश्चन? हाँ मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी एक फ्रेंड है वो मेरे जितने ही है और हम दोनों एक ही स्कूल में है, तो वो यहाँ फ्लैट में ही रहती है, तो वो मेरी नोट्स से सब ले जाती है, तो फिर मेरा नोट्स लिखने का बाकी रह जाता है, तो फिर मैं मुझे गुस्सा आ जाता है कि क्यों मेरी नोट्स ले जाती है और फिर खत्म करके नहीं देती है, डायरेक्ट 15-20 मिनट बाद दे देती है और दूसरे दिन फिर लेने आती है वही बुक, तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है क्यों ये लेने आ जाती है, और फिर मैं झूठ बोल देती हूँ कि नहीं मुझे मेरा वर्क बाकी है, तो मैं क्या करूँ? हाँ तो अपना अपना पढ़ाई बाकी है या लिखने का बाकी है तो उसे बोल सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, और किसी की कॉपी करने से हम अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, समझे? वो तो अपने खुद से वो लिखना चाहिए, खुद से लिखना चाहिए। अगर उसको कुछ पढ़ाई में तकलीफ है, डिफिकल्टी है, तो आंसर इस तरह लिखा जाता है, वो उसकी तरह से लिखने की आदत डालनी चाहिए, तो लिख के लाते रहे उसे। ठीक है, किसी पेज में से देखकर लिखने से उसका जो थिंकिंग पावर है वो रहता नहीं है। हाँ तो उसकी भलाई के लिए नोटबुक नहीं देना है। कभी महीने में एक आध बार मांगती है, कोई ऐसी डिफिकल्टी है तो ठीक है, मगर पहले उसको जैसा भी आता है वैसा तो लिख पहले। हाँ। तो उसका प्रोग्रेस होगा। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बोलो रजनी दादा। हाँ बोलिए। आज मैंने कुकिंग की थी। क्या किया था? कुकिंग। ओह क्या बनाया? हाँ वो रोटी फ्राई की थी। फ्राई रोटी, ओके। तेल वाला गुजराती में बोल, वघारेली रोटली बनाई थी। ओ वघारेली रोटी, तो कांती दादा को भेजा नहीं? अभी आपको मेरे को जाना पड़ेगा, तो कैसा कांती दादा आप घर पे आ। जैसे चिदानंद मेरा ये डाउट है कि मैं जब पढ़ाई करने बैठता हूँ और मेरा फ्रेंड मुझे खेलने के लिए बुलाता है और मैं मना करता हूँ, मैं वापस पढ़ाई करने बैठता हूँ, तो मेरे को फिर खेलने में जीव के रहता है, पढ़ाई में मेरा ध्यान रहता ही नहीं, फिर ऐसा क्यों? क्योंकि पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट है, सॉरी खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट है, और वो फ्रेंड को बोल देने का कि मेरे को जब खेलना है तब मैं खेलने आ जाऊंगा, या उसे बोल बिजी ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अभी यस ओके समझ में आई।
कांति दादा बोलते हैं, समझ में आई? हाँ ओके आपको दीपक दादा को कुछ बोलने के बाद में किसका टर्न है आज? खुशी का टर्न है ना, पद का? श्रिया को पूछना है। कौन? श्रिया। ओ श्रिया जय सच्चिदानंद, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तभी मेरी एक फ्रेंड है, वो है ना हर रोज मेरा होमवर्क पूछते है कि ये हिंदी का ये भेज दो, यूआई का ये भेज दो, इंग्लिश का ये भेज दो, और फिर मैं वो कॉल करती है, मैं उठाती नहीं हूँ तो फिर 10 और बार कॉल करती है और फिर मुझको 10 बार मैसेज करती है, फिर मैं क्या करूँ उसका? उसको कह देना का मेरे को फोन नहीं करने का, बोल देने का। समझती नहीं, मैं कहती और फिर और 10 बार कॉल करती है, नहीं देने का, क्योंकि वो उसका तो डिस्टर्ब है, तेरा भी डिस्टर्ब करती है। इसको इसको कोई बात समझ में नहीं आती है तो तू इसे समझा सकती है, मगर कॉल नहीं करना चाहिए। हाँ। आपको कैसे मालूम पड़ता है कि कॉल आता है तो मेरे को? हाँ आपको कैसे पड़ता है कॉल आता है? वो है ना जूम में हमारा कांटेक्ट है, इसलिए वो टिंग टिंग वो रिंगटोन बजता रहता है। हाँ तो आपके पास फोन क्यों रखते हैं आप? नहीं फोन नहीं, आईपैड होता, आईपैड पढ़ाई के लिए मैं लेती हूँ ना, तभी कॉल आता है। तो आईपॉड में तो बंद नहीं कर सकते? नहीं फोन, आई डोंट नो। तो उसको ओ ओ उसको बोलो मम्मी, आपका मम्मी को बोला उसको जवाब दे देने का एक बार। ठीक है। हाँ मम्मी को ओ प्रॉब्लम मम्मी को सॉल्व कर देने का। हाँ ओके ओके दीपक दादा, और आज खुशी चिन्हय का पद का है ना? नहीं हिताक्षी बाका। ओ हिताक्षी बाका, ओके ओके ओके। दीपक दादा या जय सच्चिदानंद, देवम या कोई भी लड़के है वो टीचर जब पढ़ाते हैं तो टीचर क्या पढ़ाने वाले है वो आपको पता होता है कि नहीं होता है? क्यों कैसे पता नहीं चलता है? जो क्लास टाइम क्लास हुआ है तो उसे पता नहीं चलता है कि ये इधर तक पढ़ाया था तो इसके आगे का पढ़ाएंगे? हाँ लाइक चैप्टर आधा चला तो आधा दूसरे दिन चलाएंगे, वो पता होता है। तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी मेथड बताई है कि जो टीचर ने पढ़ाया नहीं है जब तक पढ़ाया है तो उसका आगे का पार्ट आप एक बार पढ़ लो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, फिर टीचर जो बोलेंगे तो आपका फोकस बड़ी आसानी से रहेगा। हाँ मैंने एक बार ट्राई किया हुआ है ऐसा। फिर नहीं किया? हाँ। ये क्योंकि टीचर जो पढ़ाती है उसमें कुछ नई बात होती है तो हमारा ध्यान आराम से ना रहने की संभावना हो जाती है, लेकिन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है एक बार तो फिर आपको वो ध्यान में आएगा कि हाँ ये पढ़ा था ये पढ़ा था, तो तभी अगर आपको पूछना भी है तो बड़े आसानी से पूछ पाएंगे आराम से। लेकिन पहले से नहीं पढ़ा है तो फिर वो आपका ध्यान रहना फोकस रहना आसान नहीं होता है। दूसरी एक बात ऐसी है कि अगर आप पढ़ के गए कितना पेजेस का वो चैप्टर होता है, लेसन कितने पेजेस का होता है? 8-9 पेजेस का होता है। तो 8-9 पेजेस तो टीचर एक एक क्लास में 35 मिनट्स में पढ़ाती नहीं है, बराबर है? हाँ। तो जब तक क्लास पढ़ाया है तो उसका 2-3 पेजेस पढ़ लेना है। हाँ। और तब मूल बात क्या है वो जो भी था, मैं मेरी बात करता हूँ कि मैं घर में आप लोगों के जैसे कभी पढ़ता नहीं था, मैं घर पर आकर सिर्फ खेलता था, मेरा फॉलो नहीं करना क्योंकि मेरी स्टोरी अलग है, लेकिन स्कूल में जो पढ़ाते थे वो मेरी दिमाग में चले जाता था,
फिर मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता था और यस मुझे आगे 80-90-95 मार्क्स नहीं आते थे, मैं आसानी से पास हो जाता था, पासिंग से ज्यादा मार्क्स आते थे, 60-70 तक आ जाता था, लेकिन पास होता था। लेकिन ये लोअर क्लास की बात करता हूँ, 6-7-8 तक, 9 तक, 9 स्टैंडर्ड तक। तो आपका क्लास में ही फोकस अच्छा हो जाएगा तो आपको फिर घर में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आपका फोकस क्यों नहीं रहता है, यहाँ पर टीवी फोन आता है, क्योंकि टीवी फोन से हमारी चित्त की शक्ति बहुत बुरी तरह से डैमेज होती है, उसको घात होता है। घात यानी समझते हैं, वो घात बहुत भारी शब्द है। कांतियानंद जी घात को समझाए। घात 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 मगर घात घात ग ग घात था चित्त शक्ति रुंधाई छे। तो उसे इतना डैमेज आने, फिर आप स्कूल में ही आपका काम होता नहीं है, फिर घर पर नहीं आए तो घर पर भी फोकस नहीं है, अब आपका काम कैसे होगा। और ये दूसरी बात जो बताई हीर ने, याद नहीं करना है, समझ लो। और समझा हुआ कितना भी आप समझ लेंगे तो उसको कभी भी आपको उसको बोलते हैं रिप्रोड्यूस करना है, लिखना है तो आप लिख पाएंगे। लेकिन एक याद किया, ऊपर से दूसरा याद किया तो फिर आगे का भूल जाएंगे। हीर सुन रही है? चलिए, एनीवे तो ये बात है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये समझने को शायद 15 मिनट ज्यादा लगेगी, लेकिन फिर वो हमारी मेमोरी से जाएगी नहीं, क्योंकि हमने समझ लिया है। और फिर ये खेलने का टाइम तो हमारा फिक्स होता है कि नहीं? अव्यय कहाँ गया? इधर है अव्यय। अव्यय नाम रखा है लेकिन आप हिल जाते हो, आप समझे? आपका टाइम टेबल क्योंकि आप बाद में ज्वाइन हुए तो आपको पता नहीं है टाइम टेबल आपका है कि नहीं है। हाँ तो ऐसा है ना बेटे, टाइम टेबल होगा तो फ्रेंड को बोल दो 6 o'clock, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 o'clock इज माई प्ले टाइम, तो 6 बजे के पहले मुझे बुलाना नहीं कभी भी, मुझे मम्मी डांटती है फिर, वो ऐसा बोल देने का। और जो बातें हमसे नहीं होती है अपने फ्रेंड को या टीचर को जो भी है, तो मम्मी डैडी को बोल देना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। श्रिया समझे आप? हाँ, क्योंकि फिर मम्मी आते हैं तो फिर अपना वो नहीं होगा, समझ गए? एंड नो कॉम्प्रोमाइज, हमारा काम हुए बगैर दूसरों को कुछ देने का नहीं, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है, समझते हो? अगर उसको दुख होता है तो उसको दुख होना चाहिए, क्योंकि दूसरे का भला कब होता है, जब आपका भी भला होता है तब। आप समझे? हाँ, तो ये ध्यान में रखना है, और ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो आपको कभी तकलीफ आएगी नहीं, बड़ी आसानी से पढ़ाई भी होगी, मजा भी आएगा और आप एंजॉय करेंगे पढ़ाई। हाँ। और कोई भी टीचर के लिए अभाव तो गलती से भी नहीं करना है। यही सच्चिदानंद, यही सच्चिदानंद। और हमको एक दूसरा याद आया, खुशी अहमदाबाद, आपके फ्रेंड को आपके मम्मी भी बोल सकती है, और बाद में वो आपकी फ्रेंड बोलेगी, और चिड़िया आपकी फ्रेंड आपको बोलेगा योर मम्मी तो बहुत स्ट्रिक है, बहुत ये तो सामने जवाब दे देने का, कि स्टिक नहीं होगा तो तारा हाल क्या होगा आपका, स्टिक अच्छे के लिए है, ऐसा जवाब दे देने का। हाँ। ओके? या। हाँ। या, जब वो दादा का प्रिंसिपल यूज करते तो उसमें घबराने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ। के, काती दादा मच पच रहेंगे इताक्षी बाग से। ठीक
एक ही बात एक ही जस्ट वन सेंटेंस ऑलवेज याद रखो डू राइट थिंग अगर सही चीज नहीं करेंगे तो उसकी पनिशमेंट आपको आएगी भगवान भी आपको बचा नहीं सकते ये बात समझ लो यू मस्ट लर्न टू डू राइट थिंग एंड ऑफ कोर्स एट द राइट टाइम समझ गए अभी वेकेशन में जो खेलना है खेलना जितना टाइम बिगाड़ना है बिगाड़ना सोना है सो जाना कोई बोलने वाला नहीं है लेकिन अभी स्टडी को इफेक्ट होगा तो जीरो जय सच्चिदानंद जैसे और देखो राइट थिंग बोला तो राइट थिंग पुलिस जाता है नहीं तो ये वेरी इम्पोर्टेंट और कल नंबर बॉस नंबर डे थ्री है तो आपका ऑनेस्टी किधर स्टडीज में है फुलिशनेस किधर है वो जरा ढूंढना ओके चिताक्षी बा होमवर्क मालूम पड़ गया सबको ओके चिताक्षी बा जी सचिदानंद उठो जागो दौड़ो पकड़ो अक्रम गाड़ी आई है रिजर्वेशन हो के ना हो अंतिम सुख को लाई है उठो जागो दौड़ो पकड़ो अक्रम गाड़ी आई है रिजर्वेशन हो के ना हो अंतिम सुख को लाई है नहीं रुकेंगे दादा भगवान नहीं रुकेंगे ये दुनिया के प्लेटफॉर्म को सलाम करते जाएंगे धर्म कर्म के रगड़ा पेटिस घर घर झगड़ा दरिया खारा धर्म कर्म के रगड़ा पेटिस घर घर झगड़ा दरिया खारा क्लेशी कुटुंब गम का मारा सर पर है टेंशन का भार खाना पीना और झगड़ना पैसा पत्नी घर का गुर घर में नाश्ता करता मानो बात बात में हो जाए शूर हरे घर की दुख कहानी हरदम होली पत्थर फाड़ी हरे घर की दुख कहानी हरदम होली पत्थर फाड़ी सबको छोड़ो मारो गोली पकड़ो पकड़ो मोक्ष की गाड़ी उठो जागो दौड़ो पकड़ो अक्रम गाड़ी आई है बहुत गए रह गए थोड़ी अस्त्री पुरुष युगल जोड़ी बहुत गए रह गए थोड़ी अस्त्री पुरुष युगल जोड़ी भेजा फोड़ी झंझट खोटी मारा मारी करके सोरी रोके टोका जीत युग में गाड़ी सुपर फास्ट रोके टोका जीत युग में गाड़ी सुपर फास्ट है टोपी वाले सुपर ह्यूमन मुक्ति का सम्राट है वेरी गुड वेरी गुड हिताक्षी बा वेरी गुड वेरी गुड सिर केवल ज्ञान ही समता है ओके हिताक्षी बा ओके बहुत बड़ा बड़ा मत चूज करो टू टू पैराग्राफ ओनली आपको याद करके बोलना है क्योंकि ये साहब के उसमें क्या आप लोग ग्रहण किया जब उठो जागो जो अक्रम ज्ञान की गाड़ी आए है अब उसे पकड़ो और दादा भगवान रुकेंगे नहीं ओके तो अक्रम गाड़ी क्या होता है कांति दादा और कलयुग में ये ज्ञान डूबा नहीं दादा अक्रम गाड़ी क्या होती है और एक मेरा भी प्रश्न है दादा भगवान रुकेंगे क्यों नहीं वो प्लीज बताना और तो आज का आपका टॉपिक है ना दीपक दादा पुलिसनेस होगा तो क्या होगा ओके नहीं ओके कांति दादा हाँ ये अक्रम विज्ञान यानी कि अक्रम गाड़ी आई है ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है और इस अपॉर्चुनिटी को हमें किसी भी कीमत पर किसी भी संजोग पर इसे हमें चूकना नहीं है ऐसा बार बार
योग होता नहीं है, इसीलिए इस पद के हमें बहुत जागृत किया है कि चेतो चेतो चेतो, और ज्ञानी पुरुष का योग होना ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए नहीं रुकेंगे दादा भगवान नहीं रुकेंगे, क्योंकि हर एक कोई भी संयोग जो है, किसी का भी जो होना है, वो वियोगी स्वभाव वाला है, इसीलिए नहीं रुकेंगे। ओके विजी दीदी, आपका क्वेश्चन है अभी? एक क्वेश्चन नहीं, बाद में। ओके ओके कभी। ओके बच्चे लोग, कल का होमवर्क मालूम पड़ गया? हाँ ओके जय सचिदानंद।